दोस्तों आज हम बात करने वाले कि आप फेसबुक ग्रुप में 10x फास्टर कैसे इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स में। ठीक है, तो अब लोग सोच रहे होंगे 10x का मतलब क्या होता है। गाइस 10x का मतलब बहुत ही रैपिड फायर। ठीक है गाइस, बहुत ही तेजी के साथ आप कैसे इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि इंगेजमेंट ऐसे बढ़ाते हैं वैसे बढ़ाते हैं। गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। और वहां जाके ये देखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि आप फेसबुक ग्रुप में इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा कि आप कैसे किसी भी फेसबुक ग्रुप को पूरा पूरा हैक कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को, और आपका जो पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये आपको आज समझ में आ जाएगा। और गाइस अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, क्योंकि ऑलवेज लोगों को फायदा चाहिए होता है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन है और हम तो हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखने आओ तो अपने फायदे के लिए देखने आओ। तो गाइज मैं बता दूं फायदा क्या होगा। गाइज फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर पाओगे। अगर आप कोई एफिलेट नेटवर्क में हो तो एफिलेट नेटवर्क के लिए सेल जनरेट कर पाओगे। अगर कोई आप MLM कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स वहां से ले आ सकते हो अपने MLM में और उनको ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, आप जो भी पुट करोगे, पोस्ट जो पुट करोगे आप वहां, आपका जो पोस्ट है वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो, और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर पहुंचाओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये है आपके भाई की प्रोफाइल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ आके अपना क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। जब भी मुझे आपका मैसेज रिसीव होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ आप आके अपने पूरे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। जो भी डाउट रहेगा इस वीडियो के बाद या किसी भी वीडियो को आप देखते हो तो वो आके मुझसे यहाँ पूछ सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए, बिल्कुल फ्री फ्री कंसल्टेंट हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर ऑन सोशल मीडिया। तो कभी भी आपको जरूरत हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हो। अब सीधा चलता हूं मैं और आपको स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करता हूं। और गाइज आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्पीच भी मैं इसके साथ दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द ग्रुप। सो गाइज आई थिंक यू आर सीइंग दिस ग्रुप। ओके, आपको ये ग्रुप दिख रहा है। तो गाइज ग्रुप में एक पोस्ट डाला है मैंने, जिसका आपको सामने दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, कोई ऐसा प्लान बताओ जो वीकली पे आउट करता है और कंपनी लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, तो अब गाइस क्या होता है, यहाँ देखो मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपना प्लान, इनडायरेक्टली यही पूछ रहा हूँ कि आप अपना प्लान दिखाओ, और ये भी विश्वास दिला रहा हूँ उनको कि उनका जो प्लान है वो लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, यहाँ दो चीजें हो रही है क्या। सबसे पहले मैं एक लोगों से डिमांड कर रहा हूँ कि आप अपना प्लान दिखाओ, और दूसरी चीज क्या, मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी जो कंपनी वो लाइफ टाइम चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैंने उनका ट्रस्ट जीत लिया। ठीक है, ट्रस्ट क्या किया, जीत लिया। अब वो मुझ पे ट्रस्ट हो गया, मुझ पे नहीं, वो अपने प्लान पे ज्यादा ट्रस्ट हो गया और वो अपने प्लान को यहाँ शो करने लगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है गाइस कि लोग ना क्या है, जैसे आप किसी को भी प्लान दिखाने जाते हो, व्हाट्सएप में दिखाते हो, फेसबुक दिखाते हो, तो वो आपको अपना प्लान दिखा देता होगा, राइट। तो यही स्ट्रेटेजी को मैंने यहाँ यूज किया। ठीक है, अब आप बोलोगे एक बार में तुक्का लग गया, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से भी किया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ यूज किया कि मेरा जो फेसबुक ग्रुप इंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो आप जैसे ही किसी को कुछ दिखाने जाते हो तो वो आपको अपना दिखा देता है। ये समय अभी चल रहा है। ठीक है, कोई भी प्लान आप किसी को दिखाते हो तो वो आपको अपना दिखा देता है। ठीक है, तो अब इसको यूज करते हुए मैंने ये स्ट्रेटेजी को तैयार किया कि मैं कैसे लोगों का एंगेजमेंट फेसबुक ग्रुप में पा सकता हूँ। तो मैंने सीधा उनको डिमांड किया कि वो अपना जो प्लान है उसको दिखाएं, और दूसरा चीज कि वो अपने प्लान पे ट्रस्ट करें। तो लोग भाई अपने प्लान पे तो ट्रस्ट करते ही हैं, जो नहीं भी करते हैं वो भी आके दिखाएंगे। तो ऐसे करके मैंने सिर्फ कल ये पोस्ट डाला, आप लोगों के लिए ही मैंने ये स्ट्रेटजी को तैयार किया था, और इस फ्रेमवर्क का यूज करते हुए मैंने ये चीज पूरी बनाई और यहाँ मैंने डाला। और गाइज आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, 600 ऑलमोस्ट कमेंट होने वाले हैं। 600 कमेंट कल से, इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं इस पोस्ट के कि हद है। ठीक है, और 200 आई थिंक 150 आप बोल दो, 150 लाइक भी हो चुका है। तो मतलब फटे हाल इंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं जब भी अब इसके बाद कोई पोस्ट पुट करूंगा यहाँ पर डालूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा इंगेजमेंट तो उस पोस्ट पर बढ़ेगा ही, और चांस ये है कि मेरी सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जनरेट होगी। या अब मैं कोई MLM प्लान में हूँ तो वहां से मैं कुछ बहुत सारे लोगों को पिक कर सकता हूँ। और अगर मेरा प्लान फ्री
होगा तो सोने पे सुहागा, ये जो आपको दिख रहा है ना 600 कमेंट लगभग, वो 600 कमेंट में से नहीं भी तो 400 लोगों को मैं अपने फ्री नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और इट्स ट्रेमेंडस इजीएस्ट प्रोसेस्ड गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे इंगेजमेंट क्रिएट करना है, लोगों में आपको पूरा मतलब एक स्ट्रेटजी लेके जानी है और उनको अपने पोस्ट पे लेके आना है, और जब वो ऐसे कमेंट करने लगे फिर उसके नेक्स्ट डे आपको अपना जो प्लान है वो डाल देना। अब इंगेजमेंट एक बार बढ़ गया तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए इस ग्रुप में फायदा देने वाला है, तो आप किसी भी ग्रुप को ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पहली टैक्टिक्स जो है, स्ट्रेटजी है, वो मैंने आपको बता दिया। इवन यहाँ लोग खुद में लड़ते भी हैं कि मेरा प्लान ले लो, मेरा प्लान ले लो, मेरा प्लान ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फायदा हम लोगों को हो रहा है और हम लोगों का जो इंगेजमेंट है वो सुपर तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो एक चीज ये हो गया। अब कुछ लोगों का होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे अरे ये तो टुक्का लग गया भाई। तो मैंने फिर से ये चीज की और यहां पर मैंने फिर आपको दिखा रहा हूं, मैं ये देखो यहां मैंने फिर ये ट्राई किया और फिर मैं जीत गया, ठीक है। वही चीज मैंने ट्राई किया, अभी 22 घंटे पहले मैंने ट्राई किया, 114 कमेंट आ चुके हैं, प्लस एक शेयर भी हो चुका है। आई डोंट नो किसने शेयर किया, लेकिन एक शेयर भी हो चुका है, ठीक है। किसी ने ये स्ट्रेटजी का यूज करने के लिए किसी को दिखाया होगा तो एक शेयर भी हो गया। तो ये जो चीजें हो रही हैं देख रहे हो गाइस, 97 लाइक्स मतलब 100 लाइक्स हो चुके हैं, और यहाँ अभी कितने लाइक्स हुए हैं, 160 लाइक ऑलमोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर 100 लाइक्स हो चुके हैं। अब लाइक्स और कमेंट जैसे जितने ज्यादा जनरेट होंगे उतना फेसबुक को लगेगा ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये लोगों तक सर्व करना स्टार्ट कर देगी। जितना सर्व होगा उतना मेरा इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो आपका जो इंगेजमेंट, अगर आपके 2-3 कमेंट आ रहे हैं तो आप ऐसे करके अपना पूरा इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, फिर उसके बाद अपने प्लान्स को खेलना यहाँ स्टार्ट कर दो। तो ये होती है स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, और ऐसे करके आप ग्रोथ कर सकते हो सोशल मीडिया में, ठीक है गाइज। देखो आपको एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आजकल साले सब एक्सपर्ट हैं, जिसको देखो वो एक्सपर्ट है, ठीक है, अपने आप को एक्सपर्ट बोलता है लेकिन वो कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, उनके पास फ्रेमवर्क नहीं है, उनके पास ये टैक्टिक्स नहीं है, पेशेंस नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, बस वो एक्सपर्ट अपने आप को बोलते हैं, वो एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए, कैसे इंगेजमेंट को कैट करना है, कैसे अपने प्लान को डिलीवर करना है, ये आना चाहिए। अगर अब मैं कोई भी यहाँ पोस्ट करता हूँ तो वो नहीं भी तो 500, 300, 400 लोगों तक जाएगी, और अगर उसमें रेयर से रेयर गिरे से गिरा मैं चलो लेके चलता हूँ तो अगर मेरे पास 100 कमेंट भी आते हैं तो उसमें से मैं 50 लोगों को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने का रखता हूं। तो ऐसे ही करके आपको काम करना है गाइस, ऐसे ही करके काम करना है। क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड गाइस स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू गेट सक्सेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग गाइस। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। यहां आपको एक छोटा सा चीज में, एक छोटी सी स्ट्रेटजी में मैंने आपको सारी चीजें आई थिंक सिखा दी हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो डैम श्योर, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू किलिंग ऑन सोशल मीडिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।